इसके बाद हमारे पास जो चीज है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स है हमारे पास, काइनेटिक मॉलिक्यूलर। अच्छा आप एक काम ये कर सकते हैं कि मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसके ऊपर मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पूरी वीडियो बना के तफसीली गुफ्तगू की हुई है, अगर आप ज्यादा डिटेल में उसको डिस्कस करना चाहते हो तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को देखिएगा और फिर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं, वहां मैंने खासा ज्यादा डिटेल में पॉइंट्स को डिस्कस किया है। यहां मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से मैं आपसे बात कर लेता हूं कि जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हमें याद होने रहने चाहिए। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे थे, देखो अब आप सेकंड ईयर में जब आप आए थे तो आपका जो लेवल है वो वहां पर पहुंच गया था कि किसी भी चीज को स्टडी करने से पहले आप एक थ्योरी को डिफाइन करते हैं। मैं एक मिसाल आमतौर पर अपनी क्लास में बच्चों को अपने जो हमारा मजहब है दीन इस्लाम जो है इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए हमारे हमारे मजहब में कुछ लोग जिस तरह हमारे आपने देखा होगा शिया होते हैं, कुछ सुन्नी होते हैं, कोई जो बंदी कहलाते हैं, कोई जो है अहले हदीस कहलाते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे पास मकतबे फिक्र है, मुख्तलिफ सोच रखने वाले अफराद हैं। तो जब भी आप हमने अपने मजहब में कोई भी काम करना है, फर्ज में नमाज पढ़नी है, तो हम किसी एक को फॉलो करते हैं, किसी एक की थ्योरी को फॉलो करते हैं, ठीक है, जब हमने रोजा रखना है तो हम किसी एक की थ्योरी को फॉलो करते हैं, हमने जकात कुछ और दीनी एक्टिविटीज करने का हमें थ्योरी को फॉलो करते हैं, जो अहले तशी है उनकी एक थ्योरी है कि रोजा ऐसे रखना है, इस टाइम पे रखना है, इस टाइम पे क्लोज करना है, इस टाइम पे अफ्तार करना है, जो अहले सुन्नत वाले हैं उनकी थ्योरी है कि नहीं जी इस टाइम पर है, दोनों के टाइम में फर्क है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी चीज से बात करते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन अ थ्योरी, आप एक थ्योरी को डिफाइन करते हैं एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी आप तमाम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरे ख्याल मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं मजहब से मिसाल दी, सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम सबसे पहले एक थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी डिफाइन करते हैं और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी हम सारे काम करते हैं। इसी तरीके से अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर गैसेस को समझना चाह रहे हैं, उसके बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं, तो हमें थ्योरी की जरूरत है। तो वो जो थ्योरी है उसको हमने कहा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं, कुछ बुनियादी किस्म की बातें हैं, वो बुनियादी किस्म की बातें मैंने लिख भी दी आप लोगों के लिए, मैं आपसे स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ, फिर डिस्कस भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये भी मैंने कुछ काम की बातें लिखी है, मेरा ख्याल है चले मैं इसके बाद पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर या पहले मैं ये बात कर लूँ आप लोगों से, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कुछ अहम बातें थी, ये भी मैंने लिखी थी और ये मैंने इसलिए लिखी थी कि मुझे खुद भी याद रहे कि मैंने आप लोगों से करनी है, तो मैं ये बातें भी आपसे कर लेता हूँ और ठीक है। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही आपसे बात कर लेता हूँ और वो मैंने कहा कि दो किस्म के हमारे पास स्टैंडर्ड है, एक हमारे पास कहलाता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एक होता है हमारे पास आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर। इधर मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ, प्लस मैं आपसे ये कह रहा हूँ दो स्टैंडर्ड है हमारे पास, एक हमारे पास है एसटीपी और एक हमारे पास होता है आरटीपी। तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और रूम टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है, दोनों रूम टेम्परेचर प्रेशर, इन दोनों के अंदर जो प्रेशर है हमारे पास वो प्रेशर है हमारे पास 1 एटमोस्फेरिक। ओके, प्रेशर हमारे पास जो है वो 1 एटमोस्फेरिक है, अलबत्ता जो टेम्परेचर है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर में ये 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 K हमारे पास होता है, जबकि रूम टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर है हमारे पास वो हम 25 डिग्री सेल्सियस देते हैं, जिसको आप प्लस 273 करोगे तो आपके पास केल्विन के अंदर आ जाएगा, जो भी आंसर बनता है आपके पास वो आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड है, फिर हमारे पास ये है, याद रखिएगा कि जो 1 मोल है हमारे पास, 1 मोल में Na जो कि हमारे पास 6.023 × 10³³ हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल बनते हैं, अब ऑटो तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं और 1 मोल जो होता है वो उसका जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये 22.4 लीटर लिख दो या 22.4 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब कह दो, एक ही बात है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, ये अगर कन्वर्जन याद होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 डीएम क्यूब जो है हमारे पास वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो प्रेशर है
वो एटमोस्फेरिक की जगह पे हम बार भी, बार में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रही होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर्स होता है, यानी ये एक मोल का होता है हमारे पास, ठीक है। और एक मोल के कितने मॉलिक्यूल हैं वो भी आपको बता दिया था। इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो इस तस्वीर के अंदर हमने क्या समझाया हुआ है, हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन है और ये मीथेन गैस है हमारे पास। तो वो इसके जो जो टेम्परेचर है वो सबके क्या है, 0, 0, 0, सबके टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा इस बात को। सबका प्रेशर भी सेम है, 1 atm 1 atm 1 atm, 1 atmospheric है। कल मैंने आपको एवोगाड्रोस लॉ बताया था, याद है आपको, एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को सेम रखते हैं तो डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, याद है आपको। तो अगर हम उस चीज को सामने रखें, तो मैंने कल आपको जब एवोगाड्रोस लॉ बताया था तो हमने कहा था कि डिफरेंट गैसेस जो है उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, याद है, और सेम वॉल्यूम पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर सबका, चूंकि सबके अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखें तो वो सबके कितने हैं हमारे पास, 1 mole है, यानी सबके मॉलिक्यूल सेम है, 1 mole में जितने मॉलिक्यूल होते हैं तो सबके मॉलिक्यूल सेम है, तो सबका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये एवोगाड्रोस लॉ भी यहाँ पर प्रूव हो रहा है इस तस्वीर के अंदर, तो हम ये भी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर कोई लगता है कोई इशू आ रहा है। तो ये तस्वीर मेरा ख्याल है आप सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, आप लोगों को अच्छे तरीके से तस्वीर समझ में आ जानी चाहिए। फिर ये नीचे मैंने आपके लिख दिए, आपके लिए इन वैल्यूज को भी लिख दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया है कि 1 liter जो है वो 1 decimeter cube या 1 liter 1000 centimeter cube के बराबर होता है। इसी तरह यूनिट बार भी इस्तेमाल होता है, बार और एटमोस्फेरिक तकरीबन बराबर है, तो मैंने प्रिसाइज वैल्यू लिख दी है कि 1 bar 0.986 के बराबर होता है। तो 0.98 का मतलब तकरीबन 1 ही हो गया, तो 1 bar या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप इक्वल ले सकते हैं, इसलिए मैंने आगे लिख दिया ऑलमोस्ट दे आर इक्वल। फिर बाकी रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर फर्क भी मैंने बता दिया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि मैं मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मैंने इसके सारे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे पास, मैं इसको स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं उसमें जो नंबर 1 है हमारे पास, अच्छा बुनियादी तौर पे ये 6 postulate हैं, 6 हैं, आप 6 की जगह पे इनको 12 पढ़ लें, इसको 18 पढ़ लें, यानी एक पोस्टुलेट को तोड़ के 4-5 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, 6 postulate है, हमें इसके पॉइंट पता होने चाहिए। तो जो पहला postulate है हमारे पास वो हमसे कहता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल है उनको हमने मॉलिक्यूल कहना है। तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, अच्छा अब यहां पर ये भी मसला है, मॉलिक्यूल को तुम कहोगे हम मोनोएटॉमिक को नहीं डायएटॉमिक को कहते हैं, 2 atom मिले तो 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मोनोएटॉमिक को क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक को भी मॉलिक्यूल बोलेंगे। देखें जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपसे कह रही है मोनोएटॉमिक है डायएटॉमिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस के पार्टिकल का नाम अब से मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल की वो जो डेफिनेशन हम करते आए कि 2 या 2 से ज्यादा एटम के मिलने को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, नहीं जी इसको नहीं मान लो, हम कह रहे हैं कि बस गैस के पार्टिकल चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, अच्छी तरह सुन लो, या डायएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, जिस तरह अभी हम लोगों ने आपको दिखाया, ठीक है, हीलियम मोनोएटॉमिक दिखाई थी, नाइट्रोजन डायएटॉमिक दिखाई थी, CH4 जो हमने दिखाई वो पॉलीएटॉमिक आपको दिखाई है, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर 2 जो है, और जो मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑल आर आइडेंटिकल, तमाम मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं। इस आइडेंटिकल का मतलब क्या है, इस आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि इनका सेम मास है, ओके, जिसको हम आमतौर पर क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। तो हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल का मास एम है, तो दूसरे का भी कितना होगा एम, तीसरे का भी कितना होगा एम, तो सेम आइडेंटिकल का मतलब है सेम मास है, और इनकी सेम स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप, ओके, स्फेरिकल का मतलब होता है वो जिस तरह क्रिकेट की बॉल या जो मार्बल्स नहीं होते कंचे जिसे कहते हैं, उस तरह की शेप है। तो
तो सेम स्फेरिकल शेप है जिनका जो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर जो है वो है हमारे पास तकरीबन 3 × −10 मीटर है हमारे पास। ओके ये हमारे पास जो है वो उसका 3 × 10⁻¹⁰ जिसको 3 एंगस्ट्रॉम भी हम लोग कहते हैं। ओके ये उनका डायमीटर है हमारे पास। फिर हमारे पास ये है कि दूसरा जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो हमसे ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो है एट एसटीपी, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं इन 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में वो कितने हैं, उनकी तादाद है तकरीबन 3×10⁻²⁵ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत बड़ा नंबर है राइट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 क्यूबिक मीटर में 3 × 10⁻²⁵ मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, वो तमाम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम ये बात कहते हैं ना ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में चले जाओ, फर्स्ट ईयर में आपने वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी मैं जरा कर्व बना रहा हूं वी को छोटा सा यहां पे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल डायरेक्शन का मतलब है हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरी वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा, मेरी वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट भी होगा और मेरी वेलोसिटी का जेड कॉम्पोनेंट भी होगा। ये मतलब होता है किस चीज का, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो अगला पॉस्टुलेट है मैं तस्वीरी जबान में समझाता हूं। देखो ये दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल की खास बात ये है कि इन मॉलिक्यूल का डायमीटर ज्यादा है, जबकि इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो गैप है, ये जो गैप है ठीक है, गैप इज स्मॉलर देन डायमीटर, एक तो कंडीशन जो है। अब आप देखिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इनका डायमीटर देखिए और इनके दरमियान गैप देखिए, तो गैप इज लार्जर देन डायमीटर। क्या कह रहे हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है ये बात दुरुस्त है और ये बात गलत है। ओके यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो दो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो गैप है वो उनके अपनी डायमेंशन से ज्यादा है, तो अपनी डायमेंशन का मतलब उनका अपना डायमीटर। ओके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है वो गैप मॉलिक्यूल के अपने डायमेंशन यानी अपने डायमीटर से ज्यादा है, ये कहता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये बात नहीं करता। ओके तो एक बार हमारे पास ये हो गई। फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ इस किस्म की बात है कि वो जिस कंटेनर में हमने उसको बंद किया हुआ है, तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल मूव करता हुआ यहां पर आके टकराया, यहां टकराया वहां पर कह दें 1, यहां के बाद इधर जाके टकराया इसको कह दें 2, तो दो कोलिजन, कोलिजन नंबर 1 और कोलिजन नंबर 2, तो दो कोलिजन के दरमियान जो पाथ है वो हमारे पास कौन सा पाथ है, स्ट्रेट लाइन है। जिस स्ट्रेट लाइन को हम कौन सा पाथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ का नाम भी दिया जाता है। मेरा ख्याल है आसान सी बात है, समझ में आ रही होगी। ठीक है बिटवीन एनी टू कोलिजन, किसी भी दो कोलिजन के दरमियान जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, मॉलिक्यूल यूं घूमता हुआ नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और उसको हम मीन फ्री पाथ भी कहते हैं। फिर मॉलिक्यूल क्या करता है कि जो फोर्स लगाता है, फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स इज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखिएगा, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब अब आप कहोगे कि यार आपने सर अभी कहा कि मॉलिक्यूल का हमारे पास मैस होता है, ये देखो मैंने लिखा मैस होता है, तो आप कहोगे हमें तो न्यूटन ने बताया था जब भी दो मैसेज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो कंटेनर में मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल का मैस है, क्या वो मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, नो नहीं होगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है नहीं होती। अगर आप कहें कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर चार्ज आ जाए
तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो क्या डज एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? द आंसर इज अगेन नो। सो देयर एग्जिस्ट नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, वेदर इट इज ग्रेविटेशनल, वेदर इट इज मैग्नेटिक और वेदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो फोर्स एग्जिस्ट, हमेशा याद रखना। और ओके, देयर इज ओनली वन फोर्स, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है हमारे पास फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर की दीवार पे जो टकरा रहे हैं, वो जो कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन वो फोर्स है, बस वो एक फोर्स है कोलिजन की। मॉलिक्यूल के अपने दरमियान कोई फोर्स नहीं है, और ये जो मॉलिक्यूल जो कोलिजन कर रहे हैं, ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल होगी? इसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है? प्रेशर के इक्वल है, राइट। ये बात समझ में आ रही है? कोलिजन किस टाइप का है? ये जो कोलिजन है, याद रखिएगा, कोलिजन जो है वो हमारे पास इलास्टिक है। जब मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पर टकरा रहा है तो किस किस्म का कोलिजन कर रहा है? आपको दो कोलिजन पता है, फर्स्ट से इलास्टिक इन इलास्टिक। सो द कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लो या काइनेटिक एनर्जी कह लो, वो भी अप्लाई होती है। मतलब कोलिजन से पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी आपस में इक्वल होती है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इलास्टिक कोलिजन। सो द टाइप ऑफ द कोलिजन इज इलास्टिक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, व्हिच मींस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, व्हिच मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट। एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज कि न्यूटन का जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब होता है इज एप्लीकेबल, कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द मोशन। तो ये ना न्यूटन से तुम न्यूटन के लॉ ऑफ जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो ले आओ, बोलोगे ग्रेविटेशन का लॉ तो लगाओ फिर देख वो नहीं लगेगा, ओके, बिटवीन द मॉलिक्यूल। मैकेनिक्स की बात करें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होंगे। मिसाल के तौर पर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, उसकी अगर डेफिनेशन करना चाहो तो वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? हाउ वी डिफाइन फोर्स, व्हाट इज फोर्स? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हमें जो जवाब देना चाहे क्विकली, व्हाट इज फोर्स? आज 21वीं सदी में तुम लोग हो, 16वीं सदी में न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ फोर्स क्या होती है, तो क्या बताओगे? व्हाट इज फोर्स? सर फोर्स का अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखने जाए तो वो पुश और पुल का मतलब होता है, और अगर हम उसको साइंटिफिक वे से देखने जाए तो किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे और वर्क डन हो तो उसे फोर्स कहते हैं। सर फोर्स वो होगी ना जो कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट लेके आए और उसमें वर्क डन हो। ओके, समझ गया, आगे। और जैसे कि उसको मूवमेंट करे और उसकी मूवमेंट को स्टॉप कर सके। ओके, अगला बंदा। सर वो फोर्स वो है जो किसी मूविंग बॉडी को रोक दे और जो बॉडी रुकी हुई है उसमें मूवमेंट लेकर आ जाए। ठीक है। हाँ भाई, अपना हशाम। सर किसी एरिया पर प्रेशर अप्लाई होगा तो उसे फोर्स कहते हैं। और कोई? अच्छा, मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे मतलब जिसका मैंने पहले भी कहा था कि जो टीचर साइकोलॉजी है उसके अंदर कहते हैं कि बच्चे को ये ना बोलो कि तुम लोग गलत कह रहे हो, बोलो कि हाँ कुछ और सोचो और आपके जवाब में ये बेहतरी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है इतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि आप लोगों के जवाब दुरुस्त नहीं है, माइंड नहीं कर रहे किसी ने भी। अच्छा, मतलब डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फोर्स के बारे में फिर बात करूंगा। इस दौरान अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे जरूर बताइए। तो हम लोगों ने जहां तक, क्योंकि मेरे पास लास्ट मिनट्स मेरे पास चल रहे हैं और वो मुझे बता रहा है कि 6 मिनट्स है मेरे पास, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स है, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, उनको कॉपी पेस्ट करके ना उसी तरह आपको वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद जो पहला टॉपिक है हमारे पास
वो हमें डेरिवेशन करते हैं, और वो जो डेरिवेशन है हमारे पास वो डेरिवेशन ये है बेसिकली, हम कहते हैं कि तो हमारी जो डेरिवेशन है वो है अबाउट द प्रेशर कि P इक्वल्स टू 1/3 रो V स्क्वायर बार, ये हमारी डेरिवेशन है। इसमें P हमारे पास प्रेशर है, और ये जो प्रेशर की हमने इक्वेशन डेवलप की है ये हमने किससे डेवलप की है, ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से किया। ये इक्वेशन कहती है कि प्रेशर का ताल्लुक किस चीज के साथ है, हमारे पास ये जो V स्क्वायर बार है इसको हम वैसे कहते हैं दिस इज एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि जो मोर स्पीड, अगर मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी तो दिस इंप्लाइज दैट मोर प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट। इसी तरीके से ये जो है हमारे पास, इससे हम क्या करते हैं, ये थ्री डिवाइडेड इक्वेशन के यहां ले जाए तो ये हो जाता है 3P, ये रो यहां पर मल्टीप्लाई है वहां जाकर डिवाइड हो जाता है तो ये डिवाइड हो गया रो, और यहां पर हमने स्क्वायर डाया तो ये ऐसे रूट बन जाता है ऐसे। तो इस v को हम कहते हैं दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RMS भी कहते हैं, RMS वेलोसिटी भी हमारे पास कहलाती है, ठीक है। इसमें आपको पता है ना ये जो रो है दिस इज बेसिकली डेंसिटी, ये डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी हमारे पास, राइट। इस मौके पे एक चीज और भी आपको याद रखनी चाहिए जिसे हम कहते हैं स्क्वायर स्पीड, वो स्क्वायर स्पीड जो होती है, अब मैंने मीन हटा दिया और सॉरी मीन स्क्वायर स्पीड कह दूं या रूट मैंने हटा दिया, ये जो स्क्वायर स्पीड है या मीन स्क्वायर स्पीड है ये हमारे पास होगी 3P/ρ, ये रूट हमने हटा दिया, रूट अगर मैं हटा दूं तो ये मीन स्क्वायर स्पीड क्या रहेगी मेरे पास, ठीक है। तो जब आपने रूट का लफ्ज हटा दिया तो रूट हटा दो तो 3P/ρ ये हमारे पास क्या है, ओके। तो यहां से एक तो ये हमारे पास था, तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास था, इसके साथ हमारे पास जो था एक हमने एक और डेरिवेशन की थी बिल्कुल जहां पे इस डेरिवेशन को हमने खत्म किया था, और वो डेरिवेशन थी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर बार is equals to 3/2 kT, ये हमने डेरिवेशन की थी, राइट। अच्छा ये जो हाफ एम वी स्क्वायर बार है यानी ये जो पूरी साइड है, ये जो पूरी साइड है हमारे पास, ये पूरी साइड हमारे पास कहलाती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि जो v है उसके ऊपर बार है, तो बार का मतलब ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, एवरेज, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन गई। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर जो के है वो हमारे पास कहलाता है बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, जिसके बारे में हमने कल भी अच्छी खासी बात की है, जो कि बेसिकली के किसके बराबर होता है, R/NA के बराबर होता है, राइट। और टी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिये ये क्वेश्चन भी आपको यही बता रही है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है और वेलोसिटी ज्यादा कर रही है, तो अगर हम वेलोसिटी ज्यादा कर रहे हैं मॉलिक्यूल तेज मूव करेंगे तो बेसिकली उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, या दूसरी जबान में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, राइट। यहां से भी हम लोग अगर इस वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से भी हम निकाल सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं ये जो हाफ एम वी स्क्वायर बार है इस 3/2 kT, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और m को वहां ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर बार जो है वो 3 kT/m रह जाता है, और जब हम ये खत्म करते हैं तो यहां पर आता है रूट, और इसको हम लिखते हैं RMS रूट मीन स्क्वायर, ओके। तो रूट मीन स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला है जिसमें m हमारे पास जो है वो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और ये मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा मोलर मास को डिवाइड करते हैं
6.023 × 10^26 है। तो हमारे पास 26, तो हमारे पास जो जो जवाब आएगा वो किसमें आ जाएगा, केजी में। अगर मैं 23 से डिवाइड करता, ठीक है, अगर मैं 23 से डिवाइड करता तो फिर ये ग्राम्स में आता, लेकिन चूंकि हमें मास चाहिए होता है किलोग्राम में, तो मैंने इसको 26 से डिवाइड किया। तो जब भी मोलर मास का मतलब है मिसाल के तौर पे जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास जो मोलर मास है वो कितना है हमारे पास, अगर एटम की बात करें, अगर ऑक्सीजन गैस की बात करें, तो कल भी मैंने आपको लिख के बताया था जिस तरीके से ओ है तो 16 और 8 है। तो अगर मेरे पास ओ टू ऑक्सीजन गैस है, ओ टू है, तो ओ टू का मतलब ये हुआ, ओ टू का मतलब ये हुआ कि एक का तो 16 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 32। तो यहां पर मोलर मास की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 32 पुट करना है, राइट। तो जो भी मोलर मास है उसको हमें डिवाइड करना है, 6.023 एवोगाड्रो नंबर है, लेकिन पावर 26 की जगह पे 23 की जगह पे 26 कर दीजिए, ताकि जो आपके पास मास है वो किसमें आ जाए, किलोग्राम में आ जाए, ठीक है। तो ये भी आरएमएस मालूम करने का तरीका है। इसमें जाहिर सी बात है के की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट -23 कर बता चुका हूं। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए ऑल यू नीड इज द मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस फॉर्मूला, एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर व्हिच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। सो दिस इज वन फॉर्मूला बाय फॉर डिटरमिनिंग द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर डिटरमिनिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। ये हमने कुछ बातें, जी जी, ये 3p ओवर रो वाला फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का दोबारा बता दें, पहला वाला। ये वाला मालूम है ना फॉर्मूला आपको? जी जी। तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, 3 जो डिवाइड था उसको उस तरफ ले गया, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जी सर, ठीक है। और रो जो जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रो वहां जाकर क्या होगा, जी सर। सर ये मोर स्पीड मोर प्रेशर जो लिखा है ना, वो क्या है? ये वाला? जी सर, जी जी। इस पॉइंट का मतलब ये है, प्रेशर का ताल्लुक किसके साथ है, स्पीड के साथ है। ये v क्या है, v मैंने बताया कि v जो है आपके पास एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड है। तो मॉलिक्यूल जितना तेज मूव करेंगे उतना ज्यादा कंटेनर की दीवार के ऊपर टकराएंगे, और जितना कंटेनर की दीवार पर टकराएंगे, जितना तेजी से टकराएंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पर लगाती है वो फोर्स क्या बनाती है, प्रेशर। तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, ओके। इसको यहां से भी मिला सकते हो तुम लोग, यहां से देखो, जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उतनी स्पीड बढ़ेगी, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके सर, ठीक है, ओके। इसको मैंने कहने में बिठा देता हूं, ये सब बातें मालूम है आपको, हाँ। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज और है, और वो ये है कि हम इसको, अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूं हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर बार, तो ये हो जाएगा 3/2 RT। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आपकी समझ में आने चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको कहूं, ये सब तो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मुझे कैसे पता चला पर मॉलिक्यूल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पर इस साइड को मैं क्या लिखूंगा, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। कैसे पता चला पर मोल की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन हम और भी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और ये जो इंटरनल एनर्जी है उसको EINT से भी लिखते हैं हम लोग। और ये इंटरनल एनर्जी बेसिकली हमारे पास
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। क्या मतलब है इस बात का? ये सारी बातें मैं इस इक्वेशन को देख के कर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी बेसिकली किससे ताल्लुक है इसका? टेम्परेचर के साथ है। तो टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पर मैंने इसको कौन सी एनर्जी लिख दिया? इंटरनल एनर्जी लिख दिया। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो इन मोशन को हम कौन सी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं हम लोग। तो इस एनर्जी को, इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने कौन सी काइनेटिक एनर्जी का नाम दे दिया? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है फॉर एनी मोल्स, किसी भी मोल के लिए मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि EINT जो इंटरनल एनर्जी है वो मेरे पास 3/2, ये जो RT है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? N के साथ, क्योंकि ये किसके लिए? पर मोल। तो ये 3/2 RT किसके लिए? पर मोल, एक मोल के लिए। तो दो मोल के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तीन मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय 3। चार मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय 4। तो N से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल से, राइट? इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में यहां पर जो इट इज फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी की वजह से, सॉरी काइनेटिक मॉलिक्यूल और थ्योरी की वजह से बोल रहा हूं। अच्छा, ऐसा ना बाद में बोले मोनो एटॉमिक भी लिखा हुआ, अजीब सी बात हो कि मोनो एटॉमिक भी लिखा हो मॉलिक्यूल भी लिख रहा हूं। काइनेटिक मॉलिक्यूल और थ्योरी के लिए सबको मॉलिक्यूल बोलना है। तो मोनो एटॉमिक के लिए ये फॉर्मूला किसके लिए है? मोनो एटॉमिक के लिए। और मोनो एटॉमिक के लिए जो 3 आपको नजर आ रहा है, 3 देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, क्लास इसको ऐसे कर लूं कि n है मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 RT, अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये देखो हाफ जो है, जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो बेसिकली है ये है एनर्जी। एनर्जी के साथ ये 3 क्या है? 3 नंबर क्या है? 3। तो ये जरा मैंने आपको समझाना है कि यहां पर जो 3 है इज दी, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है वेज टू वेज टू क्या कहना चाहिए, जो मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं दूसरे के साथ, जो इंटरेक्शन, वेज टू इंटरेक्शन ऑफ एनर्जीज। मोनोएटॉमिक के लिए, और से सुन लो, मोनोएटॉमिक के लिए इसका मतलब है 3 तरीके हैं एनर्जीज को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, 3 तरीकों से। यानी जो गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो 3 मुख्तलिफ तरीकों से एनर्जी को ले सकता है या दे सकता है, उस पर ट्रांसफर कर सकता है। ये मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? इस फॉर्मूले को अगर हमने ऐसे लिख देते हैं EINT, n तो नंबर ऑफ मोल के लिए, यहां मैं लिख दू 5/2 RT, ये बात समझ में आ रही है? 5/2, तो इस 5 का मतलब ये है कि 5 क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड इट इज फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये डायटॉमिक के लिए। तो जब भी 5/2 नजर आएगा डायटॉमिक, 3/2 नजर आएगा मोनोटॉमिक। अच्छे तरीके से नोट करो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं फॉर पॉलीएटॉमिक के लिए बात करूं, पॉलीएटॉमिक के लिए, तो फिर मुझे क्या बात करनी चाहिए पॉलीएटॉमिक के लिए, क्या बात करनी चाहिए? हाँ, ये, या चले पॉलीएटॉमिक छोड़े, अगर मैं ऐसे कहता हूं कि EINT इज इक्वल टू n, और मैं यहां पे नंबर लिखता हूं 3 RT, ऐसे करता हूं, तो क्या तुम लोग मुझे कोई बता सकते हो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने है? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके अंदर? 6
6, इसके नीचे जब तक 2 नजर नहीं आएगा आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात नहीं कर सकते। ये देखो ना 2 है, ये देखो 2 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्चुअली ये ऐसे होगा एंड 6 अपॉन 2 आर टी, तो 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 6 से हो रहा था सर, मैंने नौरीन नौरीन में, तो नरीन तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, सॉरी सही है, ओके। ये बाकी लोगों की समझ में आ गई ये बात, देखो मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं इस फॉर्मूले में ये जो 3 लिखा है ना, अगर नीचे 2 है, अगर नीचे 2 है तो ये 3 आपको बताता है कि कितने तरीके से मॉलिक्यूल एनर्जी ले और दे सकता है, तो ये 3 आपको बता रहा है कितने तरीके से एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, 3 तरीके, जिन तरीकों से एनर्जी ले और दे सकता है, जितने तरीके हैं तरीके उन्हें कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस इतनी सी बात की है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं एक हाथ से चीज दे सकता हूं और ले सकता हूं तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, लेकिन अगर मैं एक हाथ से भी दे सकता हूं दूसरे हाथ से भी दे सकता हूं ठीक है, तो मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पर 2, मैं दोनों हाथों को यूज कर सकता हूं, ओके। तो कितने तरीके से आप इंट्रैक्शन कर सकते हो वो कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया, कितने तरीके हैं एनर्जी लेने और देने के, वो तरीके क्या है, ये जो लास्ट ये ना हमारा वो लेवल है बात करने का, वो लेवल पे हम बात करते हैं, लेकिन आप कह रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कितने तरीके एनर्जी लेने और देने के, ओके होगी बात,